घर के खाने में आपका स्वागत है। आज हम जुकीनी की सब्जी बनाने जा रहे हैं। आज ये सामान हम सब्जी में यूज करेंगे। ये जुकीनी है, ये जुकीनी है, ये मैंने काट ली है। ये टमाटर है, प्याज, अदरक, लहसुन, तेल, नमक, मिर्च, हल्दी। अब हम सब्जी बनानी शुरू करते हैं। अब हम तेल डाल रहे हैं। अब तेल डाल दिया हमने, तेल डाल दिया, अब तेल डाल दिया हम लहसुन, अदरक, ये थोड़ी देर के लिए इसको ब्राउन कलर करेंगे थोड़ा इसको। अब अदरक और लहसुन थोड़ा कलर चेंज हो गया है। अब मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज डाल दिए मैंने, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे मसाला डालेंगे। प्याजों का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें नमक, स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, हल्दी, मिर्च, अब मैं सब्जी डाल रही हूँ इसमें। कर दिए सारी। अब मैंने सब्जी को अच्छी तरह मिक्स कर दिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर टमाटर डालने जा रही हूँ। मैंने टमाटर डाल दिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे रही हूँ। मैंने ना ढक्कन दे दिया है। अब 2-2.5 मिनट के लिए मैं इसको चेक करूं, हिलाऊंगी सब्जी को। अब 2.5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको सब्जी को हिला रही हूं। अब सब्जी को मैंने हिला दिया है। अब मैं फिर ढक्कन दे रही हूं, ढक्कन 5 मिनट के लिए ढक्कन दे रही हूं। अब हम सब्जी को चेक कर रहे हैं। सब्जी तैयार है और हम इसको थोड़ी देर और रखेंगे। वैसे तैयार है सब्जी थोड़ी देर के लिए। अब सब्जी तैयार है, अब हम इसको थोड़ी देर खुला रखेंगे, थोड़ी देर खुला रखेंगे। अब ढक्कन हमने खुला रखा थोड़ी देर के लिए, जो इसमें थोड़ा जो पानी है वो सूख जाएगा। अभी सूख जाएगा, उसमें सब्जी तैयार है। अब ये जुकीनी की सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। पानी इसका जो था सारा सूख गया, देखो। अब हम सब्जी को अब खाएंगे। देखो कितनी अच्छी सब्जी बन गई है, कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। बिल्कुल तैयार हो गई है सब्जी। है इसमें हल्दी, मिर्च और नमक डाला मैंने, और कुछ नहीं डाला। और सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसको खाने लगे हैं। ये है जुकीनी की सब्जी। आप भी खाएं और हम भी खा रहे हैं।